मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां पुलिस फोर्स तैनात करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके बाद भी कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ता खुद शिफ्ट बदल बदल कर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा भोपाल में देखने को मिल रहा है, जहाँ पुरानी जेल में बनाए स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं। जी, किस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं आप लोग? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पे, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पे हम यहाँ पर निरंतर चौकसी हमारी जारी है, निगरानी हमारी जारी है। हर वो संदिग्ध व्यक्ति, हर वो जो जेल परिसर के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध गाड़ी कोई हमें अगर ऐसी दिखती है, तो हम उसको शक के दायरे में हम उसको लेके आते हैं। हमारे अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर हमारे भोपाल कांग्रेस के जो विधानसभाओं के प्रत्याशियों के हमारे सिपाहीगण है, वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे वो वहाँ पर निगाहें बनाए हुए हैं और हम लोग 24 घंटे बाहर हमारी निगरानी जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और भोपाल कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर हमारी निरंतर जारी है।